सलमान खान और कैटरीना कैफ इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को दोनों तुर्की के मिनिस्टर से मिले। मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने दोनों स्टार्स के साथ फोटो शेयर की। फोटो शेयर करने के साथ उन्होंने लिखा, सलमान खान और कैटरीना कैफ अपने नए प्रोजेक्ट के लिए हमारे देश में हैं। तुर्की आगे भी कई इंटरनेशनल सिनेमा प्रोजेक्ट को होस्ट करता रहेगा। फोटो में सलमान खान ब्लैक सूट पहने नजर आ रहे हैं, वही कैटरीना टॉप और ब्लैक पैंट में है। फोटोज में आप देख सकेंगे कि सब सलमान और कैटरीना को लेकर कितने खुश हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सलमान और कैटरीना की तुर्की में शूट करते हुए कई फोटोज वायरल हुई थी। फैंस ने दोनों स्टार्स के साथ लंच करते हुए उन्हें स्पॉट भी किया था। इतना ही नहीं, कई फैंस ने तो सलमान और कैटरीना की एक साथ फोटोज भी क्लिक की। वहीं अगर फिल्म की बात की जाए तो पॉपुलर फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म एक था टाइगर साल 2012 में रिलीज हुई थी, जिसे कबीर खान ने डायरेक्ट किया था। फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला था। इसके बाद दूसरी फिल्म थी टाइगर जिंदा है, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया था। दोनों फिल्म में सलमान और कैटरीना लीड रोल में थे। अब तीसरी बार फिल्म में भी दोनों एक साथ हैं, लेकिन इस बार दोनों के अलावा इमरान हाशमी का भी नाम सामने आया है। काफी समय से ये खबर आ रही थी कि फिल्म में इमरान हाशमी होंगे और सलमान खान को टक्कर देंगे। हालांकि इमरान ने अब तक इस बात को कंफर्म नहीं किया है। कुछ दिनों पहले तो इमरान ने ये भी कहा था कि उन्होंने कभी सामने आकर नहीं कहा कि वह टाइगर 3 में नजर आएंगे। तो अब इमरान फिल्म में नजर आएंगे या नहीं, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि पहले एक इंटरव्यू में इमरान ने कहा था कि सलमान के साथ काम करना उनका सपना है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिग न्यूज 24/7। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.